करें रेडियंट कैश मैनेजमेंट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, देखा जाए तो इसके अंदर कुछ खास सब्सक्रिप्शन दिख नहीं रहा है। करीब करीब फर्स्ट डे देखा जाए तो क्वालिफाइड का भी कुछ आया नहीं है, 0.05 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर देखा जाए तो पूरा ही पूरा जीरो है, इसके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिला। और रिटेल देखा जाए तो 0.06 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया। देखा जाए तो ओवरऑल टोटल सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे इसके अंदर कुछ खास सब्सक्रिप्शन आया नहीं, 0.04 टाइम्स आया नहीं। कुछ चंद लोगों ने इसके अंदर सब्सक्रिप्शन करे हैं रेडियंट कैश मैनेजमेंट में। चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट आईपीओ के अंदर क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। हम बात करते हैं रेडियंट कैश मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में, जो 23 को आया 27 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 1 रुपया है, देखा है तो 99 रुपीज़ पर शेयर इसका रखा गया। एक लॉट के अंदर 150 शेयर्स रखे गए हैं और साथ साथ में इशू साइज़ देखा जाए तो 387.94 करोड़ का ये आईपीओ, जिसमें से फ्रेश इशू देखा जाए तो करीब करीब 60 लाख का है और ऑफर फॉर सेल भी है 327.94 करोड़ का। और साथ साथ में देखा जाए इसकी डेट वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं। देखा जाए तो ये BSE NSE दोनों पर लिस्ट का मेन बोर्ड ये आईपीओ है। और साथ साथ मार्केट कैप देखा जाए तो करीब करीब 1062 करोड़ की मार्केट कैप है। और कोटे के बारे में बात करते हैं तो QIBs का भी कोटा रखा गया है, जिसके अंदर 50% QIBs का कोटा है। और HNIs का देखा जाए तो करीब करीब 15% HNIs का रखा गया है। और हम जैसे जो रिटेल लोग हैं, रिटेल का भी कोटा देखा जाए तो करीब करीब 35% रिटेल का भी कोटा रखा गया है। चलो देखते हैं आज की डेट में क्या प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। हम बात करें रेडियंट कैश मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में, देखा जाए तो इसके अंदर अभी भी 0 का 0 है। यानी ये कह सकते हैं जितने पे आईपीओ चल रहा है सेम प्राइस पे इसका प्रीमियम चल रहा है, यानी ना ऊपर ना नीचे। फिलहाल अभी देखा जाए 24 दिसंबर है और आज के डेट में इसके अंदर 99 रुपीज़ का ही चल रहा है। फिलहाल जैसा भी रुझान रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट आईपीओ क्या है वो भी देख लेते हैं।